सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 23 शिफ्ट 3 9/12/2020 में जो आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं इन्हें हम थ्योरेटिकली सोल्व करेंगे और जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्चर क्वेश्चन बनेंगे सभी को कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में एक पंक्ति या रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 409 पॉइंट होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए 409 पॉइंट तो ये होगी आपकी 409 पॉइंट होती है। यदि इसके आकार की बात करते हैं, आकार कितना होता है? एक्सेल पंक्ति का डिफॉल्ट आकार होता है 15। आकार कितना होते हैं? 15 होते हैं। जो कि यदि पिक्सल की बात करें, जो 20 पिक्सल या इंच के लगभग पांचवें भाग से संबंधित है। डायरेक्ट आकार और कितने पिक्सल के अकॉर्डिंग होता है और किस भाग के से संबंधित आपका ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला, फाइल एक्सप्लोरर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है जी, होते क्या है जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वाला, आपका सफारी और मोजिला, ये क्या है आपके गूगल, इसमें गूगल क्रोम भी आता है। गूगल क्रोम ये है आपके वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का आपका उदाहरण है और नहीं है। क्या क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला, गूगल क्रोम, ये आपके वेब ब्राउजर होते हैं। इसमें एक जो है ये काम क्या करते हैं, ये आपका www तक पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर चार नाम याद रखने हैं, क्या काम है इनका, वर्ल्ड वाइड वेब तक एप्लीकेशन को पहुंचाने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल तक प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या तथा तिथि होती है और उसके स्तंभ कॉलम की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संपर्तिकों को प्रदर्शित नहीं करती। इसका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ये है। इसमें कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, जो आपका ये है ना सिंबल, ये वाले एमएस एक्सेल में एक सेल है, ये क्या है जी, ये एक आपके, ये आपके एक सेल को प्रदर्शित करते हैं। जब इनमें एक संख्या या एक तिथि होती है ना तो उसके कॉलम और कॉलम की चौड़ाई उन सभी वर्णों को ना प्रदर्शित नहीं करती और इसके प्रारूप की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के लिए मान लें कि कोई दिनांक लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं आप, मंथ MD और आपका ईयर ये लेते हैं। वाले सेल में क्या होगा, मान लिया सपोज करो 21 यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 12/21/2008 सपोज करो ये आपकी डेट है। तो क्या होगा इसमें, हालांकि कॉलम केवल 6 वर्णों को प्रदर्शित करता है, ये पूछ सकता है कि कॉलम कितने वर्णों को प्रदर्शित करता है, इसका कॉलम सिर्फ 6 वर्णों को प्रदर्शित करता है। और ये आपके सामने ये इसका डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा दिया कि इसमें ऐसे वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग आपका किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, F7। सेवन बोले तो हेवन, ऐसे याद रखना, सेवन बोले तो हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। स्वर्ग में कब जाओगे, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, स्वर्ग में कब जाओगे, जब आपकी स्पेलिंग ठीक होगी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो स्वर्ग में आप चले जाओगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा बहुत। अब डायरेक्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। 2016 जो संस्करण है ना आपका, इसमें F7 की है ना संपादक को दाएं साइड बार के रूप में खोलती भी है। इसके कई अनुभागों के तहत ना विकल्प होते हैं, जैसे वर्तनी और व्याकरण सुधार के लिए इसका यूज किया जाता है। अब एक होता है आपका ALT प्लस F7 की, ALT प्लस F7 की का ना इस्तेमाल स्पेलिंग चेक के लिए डायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या होगा? सम एस क्यू का फंक्शन जो होता है ये है ना, कार्य क्या होता है इसका, मानों के वर्गों का योग देता है। क्या देता है ये आपका, मानों के वर्गों का योग देता है। जैसे कि आपके सामने 1, 2, 3, 4, 4 चौक 16, 3 3 9 16 9 25, 2 2 4 25 4 29, 1 1 टोटल कितना जाएगा आपका
30 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए वर्गों का योग देते हैं, डायरेक्ट इसका वर्क करके आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग आपका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, Ctrl+W। Ctrl+W, अब आपको इससे अलग जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पता होने चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं। Ctrl+N, Ctrl+N का काम क्या क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना। Ctrl+C, Ctrl+S किसी दस्तावेज को सेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का इनमें से संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। ये आपके एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन कहाँ पर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का ए। देखो कैसे कैसे पता करते हैं फर्स्ट का ए, डॉट गवर्नमेंट कहीं में लगाते हैं, आपका सरकारी एजेंसी है डॉट गवर्नमेंट लगाती है, डॉट ORG कहीं में लगाते हैं, ये आपके गैर लाभकारी संगठन होते हैं, और एजुकेशन आपका एजुकेशन कहीं में लगाते हैं, आपके शैक्षणिक संस्थाओं में लगाते हैं, और आपके .NET लगाते हैं नेटवर्क संगठन में। जैसे कि आप कोई आपका एजुकेशन संस्था है या यूनिवर्सिटी है .ORG लगे .ORG लिखा रहता है, .ORG भी लगा रहता है और .education भी शैक्षणिक संस्थाओं पर लगा रहता है, और गवर्नमेंट वाले तो .com होंगे ही होंगे, आप वेबसाइट देखते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, MS Excel 2007 में टैब से स्पेलिंग चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है, इसके द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिव्यू के द्वारा आपका ये चेक किया जा सकता है। एक्सेल में ना स्पेल चेक करने के लिए ना रिबन में रिव्यू टैब होती है, रिव्यू टैब के जरिए हम आसानी से ना स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, जबकि आपके एक्सेल में स्पेल चेक करने के लिए F7 का शॉर्टकट की का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग अलाइन टेक्स्ट को स्क्रीन के करने के लिए किया जाता है, किस साइड करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाई ओर, राइट का मतलब दाई, लेफ्ट होता तो आपका बाई, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन दाई और बाई का दोनों पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, Ctrl+F, Ctrl+L टेक्स्ट को बाई ओर के लिए होता है, और Ctrl+E टेक्स्ट को ना बिल्कुल मिडिल में रखने के लिए होता है, और राइट आपका दाई ओर के लिए होता है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको पता होने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा, और फिर ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प को चयन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वाटर मार्क लगाने के लिए क्या करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड। अब इसे कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना वाटर मार्क लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेगा, हमें पेज लेआउट पर ना टैब पर क्लिक करेंगे, टैब पर क्लिक करने के बाद फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में डिजाइन टैब पर जाएंगे, और फिर वहां पर वाटर मार्क सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें वाटर मार्क गैलरी में ना जैसे किसी भी वाटर मार्क पर राइट क्लिक करना होगा, और उसके बाद जो भी वो आपका सेलेक्ट वाटर मार्क होगा वो आपके डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। वर्ड के नए संस्करणों में वाटर मार्क डिजाइन टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध आपका होता है। ऐसे ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।